आज ब्रेकफास्ट में है कचौड़ी, मेरे लिए सुमित लेके आया, मुझे कचौड़ी खाना बहुत पसंद है। ये दम आलू है पॉलिथीन में, मम्मी खाने वाली है मुरमुरा देकर, सुमित यहाँ पर खा रहे हैं मुरमुरा देकर दम आलू। सुमित अभी आया है, कल रात से नहीं आए थे घर में। बैकग्राउंड साउंड सुन पा रहे हैं, मम्मी बर्तन धो रही है। चलो मैं कचौड़ी खा लेती हूँ, मम्मी को भी दिखा देती है। देखो बर्तन धो रही है, बर्तन धो रही है। किचन थोड़ा बिखरा हुआ है, अभी उठी हूँ इसीलिए। पीकू बनी खेल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, गुड नून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड अभी टेरिस से नीचे आ रही हूँ, कुछ कपड़े वगैरह थे जो मैं धो के धूप पे दे दिया था छत पे, लेकर अभी नीचे आ रही हूँ। और अभी समय हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 2:05 बाकी है। मम्मी लंच बना रही है, लंच बना रही है या बन चुका है पता नहीं, पूछ के बताती हूँ आपको। मैं नहाकर फ्रेश हो गई हूँ, पिकू बनी अभी रेस्ट कर रहे, सब कुछ अपडेट जल्दी जल्दी दे रही हूँ। खाना है माँ? हाँ होएगा। यस तुम सांता को ना दूटो बजे है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ बेडरूम कैसे पेंट हुआ है। ये देखिए फ्रेंड पेंट हो गया है। आई डोंट नो कैमरे में आप सबको कैसा दिख रहा है, लेकिन सच में बताओ सामने से तो अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छे से पेंट भी हो गया है। और ये सब इसमें इतना रंग गिरा हुआ था ना, सब कुछ मैंने साफ किया, फिर भी देखो व्हाइट हो गया है। इसको भी तोड़कर फर्श को भी बनाना है, अभी नहीं और कुछ दिन जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी, मिस्त्री बनाएंगे। और पिकू बन यहाँ पर है, फर्श भी तोड़कर ना फर्श भी बनाना है हम लोग को, क्योंकि पानी आ जाता है बरसात के मौसम में इसीलिए। और ना इतना धूप है बाहर, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे पूरा इफेक्ट आ रहे हैं। और 2 तो बजने वाले हैं, अभी तक लंच नहीं किया, सुमित आएंगे उसके बाद ही लंच करूंगी। और तब तक मैं क्या करती हूँ, वो जो टेरिस से लेके आई हूँ कपड़े वगैरह, इसको फोल्ड करके सही से करके रखती हूँ, नहीं तो गंदगी लगता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड अभी लंच के थाली लगा लिया है, आज लंच में है राइस कॉलीफ्लावर आलू की सब्जी। ये है कॉलीफ्लावर की पत्ती की, इसको बाटा बोलते हैं। और ये करेला बॉयल किया हुआ, लौकी का दाल, और यहाँ पर खीरा ऑनियन और गोंद्रस लेबू जो बोलते हैं बंगाली में हम लोग, फेमस लंच में खाते ही है। सुमित का थाली यहाँ पर है कुछ अलग, सुमित का राइस का क्वांटिटी भी कम हो चुका है। और ये जो लौकी का पत्ता है ना, इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, नमक देकर सुमित खाएंगे। और ये करेला भी बॉयल है, फूलगोभी की सब्जी आलू के साथ जो कॉलीफ्लावर की सब्जी, और ये है लौकी का दाल। तो चलो लंच कर लेते हैं, लंच तो लगा लिया है, सबसे खाएंगे ये वाला हिस्सा। ये देखो मम्मी खाना खा रही है, पूरा राइस पूरा ग्रीन हो चुका है। ये देखो কিছু নাওনি বসুনি কেন কিছুতে আসুনে তোমার পরে পরে পাওয়াতে হবে মম্মি কে রাইস পুরা গ্রিন হো গয়া গ্রিন আর হোয়াইট চলো মম্মি ভি খানা খানা স্টার্ট কর দাও আর পিকোর বনি খা রে ইয়া পর ও ভি লাঞ্চ কর রে হ্যায় আর মে ভি স্টার্ট কর দিয়া চলো সবসে পহলে ফুলকপির পাতা বাটা দিয়ে খাবো সবার আগে সুমিত সবার আগে কি দিয়ে খাবে সবার আগে ফুলকপির তরকারি দিয়ে খাচ্ছে আমার মা আর আমি একা সেম সেম খাচ্ছি ফুলকপির পাতা বাটা সব দিয়ে একবারে খাই এটা নিলো এটা লাউ শাক করেলা সব খাবো এটা শুন খাই লাস্টে ডালটা খাবো খুব সুন্দর হয়েছে ফুলকপির পাতা বাটাটা খুব সুন্দর হয়েছে তরকারিটাও খুব ভালো হয়েছে কে বলে মা মাই করেছে সব फ्रेंड फिर से मेसो से मैंने ऑर्डर किया है, और इसका पैकेजिंग देखो कैसा है एकदम, मुझे लग रहा है ये भी गलत ही आया है। ये देखो भी उल्टा पुल्टा, देखते रूम पे ले जाके दाओ अच्छे से देखते हैं। रुको रूम पे लेके आ गई, उल्टा भी आया है, पैकेजिंग अच्छा नहीं आया है। उल्टा ही तो है कि दारा ना, एकटाई तो ऑर्डर करेछि, क्वालिटी
दो तीन, तीन दिया है ये स्टैंड। ठीक है क्वालिटी अभी भी, सच बताओ क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है, ओके ओके टाइप का है, क्योंकि ये देख सकते हैं एकदम क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। फ्रेंड मीशो से एक का जो रिफंड हो गया था, घर पोछा जो था, एक का रिफंड हो गया था, उससे सुमित ने मुझे बिना बताए बिना पूछे वो फिर से ऑर्डर कर दिया था। फिर से मीशो से ही आया है ये वाला, ये जो मफ फिर से मीशो से ही आया, लेकिन ये क्वालिटी एकदम घटिया है। ऊपर से इसका पैकेजिंग भी ठीक नहीं है, और क्या बताऊं इसका, मुझे एकदम मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस प्रोडक्ट से। अब मैं बोलूंगी फिर से इसको रिफंड करने के लिए, क्या बताऊं अच्छा नहीं लग रहा। सुमित अभी सो रहे हैं और मैं अभी बैठी हूँ, अभी शाम के 4:10 बाकी है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मम्मी तो टीवी देख रही है, और मीशो से ये वाला जो डिलीवर आया है देखकर मुझे दिमाग खराब हो गया। चलो मैं मूड थोड़ा सा ठीक करके मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड अभी शाम के नाश्ते में मैगी खा रही हूँ, मसाला मैगी, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी बना है। और अभी मैं थोड़ा सा तैयार होके, मेरा दीदी का क्या, ये मेरे दीदी की साड़ी है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, एक्सक्यूज दिखाती हूँ। ये मेरा दीदी का साड़ी है, आज मैं साड़ी पहन के रील्स बना रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप सबको साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये कितना कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और लाइटिंग का प्रॉब्लम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, और मैं आंखों में थोड़ा सा मेकअप इस तरह से किया है। आई डोंट नो मेकअप कैमरे में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन रियल में अच्छा दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कैमरे में अच्छा दिखता है लेकिन रियल में गंदा दिखता है। अभी तो मैं देख रही हूँ कैमरे में उतना अच्छा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन रियल में अच्छा लग रहा है। और ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि रील्स नहीं बना रही हूँ, आप सबके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। उस बीच में थोड़ा सा भूख लग गया था तो इसीलिए मैं मैगी खा रही हूँ। तो चलो मैं मैगी खा के फिर रील्स बना के फिर मिलती हूँ आगे आपसे।